वेलकम टू गेट फाइन। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 5 ऑपरेशंस को देखा था। उसके से रिलेटेड एग्जांपल्स भी किए थे, वेवफॉर्म से हमने कैसे उसके वेवफॉर्म को चेंज किया था, स्केलिंग करके, शिफ्टिंग करके, रिवर्सल करके, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करके, बहुत सारे ऑपरेशंस हमने कल वाली क्लास में देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि कल मैंने आपको 5 ऑपरेशन बताए थे, तो एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ एक ऑपरेशन से नहीं होता है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल्स मैंने लिखा हुआ है। एक वेवफॉर्म एक्स ऑफ टी जो -1 से रिसेट हो रहा है और 3 पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे कहा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि परफॉर्म द ऑपरेशन फॉर एक्स 2t+3। तो आप देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, ठीक है, ये वेवफॉर्म को, ये एक्स ऑफ टी वेवफॉर्म है, इसको एक्स 2t+3 वाले में चेंज करना है। मतलब क्या है, आप इसमें अगर देखोगे तो आपके दो तीन ऑपरेशन आपको दिखेगा, दो ऑपरेशन दिखेगा। पहला क्या है कि इसमें टी के साथ ऑपरेशन हो रहा है, मतलब टी के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज टू। मीन्स टी के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। ये क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर होता है, मीन्स इसमें टाइम स्केलिंग हो रहा है और प्लस है इसके साथ और इसमें 3 ऐड हो रहा है, यानी प्लस कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर शिफ्टिंग हो रहा है। शिफ्टिंग हो रहा है कितने से, 3 से, ठीक है। तो प्लस कहने का मतलब शिफ्टिंग, लेकिन शिफ्टिंग कौन सा, लेफ्ट शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो ऑपरेशन दिया गया, यानी कि आपको स्केलिंग भी है और शिफ्टिंग भी है, मतलब एक्स ऑफ टी को स्केल भी करना है और शिफ्ट भी करना है। स्केल करना है ए से और शिफ्ट करना है 3 से। तो आप देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। पहला अप्रोच क्या हो सकता है, फर्स्ट स्केल कर सकते हैं देन शिफ्ट कर सकते हैं। पहले आप इस एक्स ऑफ टी को स्केल कर सकते हो, मीन्स 2t कर सकते, 2 2 से स्केल कर सकते हो, देन आप 3 पे इसको शिफ्ट कर सकते हो। या दूसरा अप्रोच क्या होता है, फर्स्ट शिफ्ट एंड देन स्केलिंग, मतलब दूसरा अप्रोच क्या है, पहले आप उसको शिफ्ट कर सकते हो उसके बाद उसको स्केल भी कर सकते हो। मैं आपको एक करके दिखाता हूं, आप दूसरा वाला खुद से ट्राई करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग देन स्केलिंग, मतलब क्या है, पहले आपको शिफ्टिंग परफॉर्म करना है, मीन शिफ्टिंग मीन क्या करना है, आपको टी को 3 से शिफ्ट करना है, ठीक है। ये वेवफॉर्म है, टी को 3 से कहां शिफ्ट करना है, प्लस मतलब लेफ्ट शिफ्ट करना है, मींस ये जो 3 है ये लेफ्ट की तरफ जाएगा और ये भी लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये जो 3 है इसको 3 से हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, 0 के ऊपर, ठीक है। और इस 1 को और इस -1 को अगर हम लोग 3 लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, -4 के ऊपर। तो हमको वेवफॉर्म क्या मिलने वाला है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे वेवफॉर्म क्या मिलने वाला है, एक पॉइंट इसका 0 पे जाएगा और एक जाएगा -4 पे, ये x ऑफ t+3 हो गया। मैंने इसमें क्या किया, पहले शिफ्टिंग किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x ऑफ t+3, मींस 3 का जो इनिशियल पॉइंट था फाइनल क्या हो गया, 0, और ये जो -1 इनिशियल था वो कहां चला गया, -4 के ऊपर। हमने एक ऑपरेशन कर लिया, मैंने शिफ्टिंग मतलब कर लिया। अब मुझे क्या करना है, स्केल करना है। स्केल कितना से करना है, स्केलिंग फैक्टर क्या है, 2 दे रखा है, मींस आपको इस गिवन सिग्नल को, इस गिवन सिग्नल को, अब इसकी बात नहीं होगा, अब इसकी बात होगी क्योंकि मैंने इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया हुआ है। तो अब ए को क्या करना है, 2 से स्केल करना है, मींस इस टी को 2 से स्केल करना है। तो स्केल करके बताओ कैसे स्केल करते हैं, फॉर्मूला लगा लो या फिर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स है उसको आप बाय 2 से डिवाइड कर दो, जितना भी स्केलिंग फैक्टर है उससे उसको आप डिवाइड कर दो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, और -4/2 से कितना हो जाएगा, -2 पे आ जाएगा। मीन्स आपको जो फाइनल वेवफॉर्म मिलने वाला है वो कहां पे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और -2 से टर्मिनेट होगा। तो ये कह सकते हो कि एक्स ऑफ टी जो वेवफॉर्म था उसका जो एक्स 2t+3 का जो वेवफॉर्म होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेवफॉर्म हो सकता है। वैसे ही मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो एक वेवफॉर्म है एक्स ऑफ टी 6 0 -3 पे, ये वेवफॉर्म इनिशियली प्लेस्ड है। आपको क्या करना है, एक्स -2+1 पे आपको करना है। आप इसको ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप पूछो, ठीक है। एक्स -2+3 यहां भी क्या है, स्केल हो रहा है, ए की वैल्यू क्या है, -2 से स्केल हो रहा है, और शिफ्ट कितना से हो रहा है, 1 से हो रहा है। साइन क्या है, पॉजिटिव, मींस लेफ्ट शिफ्टिंग होगा।
तो आपको भी पहले आप शिफ्टिंग कर लो, उसके बाद स्केलिंग कर लो, या फिर पहले स्केलिंग कर लो फिर शिफ्टिंग कर लो, कुछ भी करोगे आपको एक फाइनल आउटपुट मिलेगा, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड वेवफॉर्म। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई बेसिक ऑपरेशंस की। बेसिक ऑपरेशंस हमने समझ लिया, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिग्नल क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, मींस सिग्नल के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद हम लोग उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सिग्नल के एक्चुअली में क्लासिफिकेशन कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5 क्लासिफिकेशन होता है सिग्नल का। पहला होता है इवन या ऑड, दूसरा होता है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, तीसरा होता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, फोर्थ होता है हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल या HWS कहते हैं उसको, या फिफ्थ होता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो यहाँ पे 5 सिग्नल के क्लासिफिकेशंस है, हम लोग 1 by 1 इस सारे क्लासिफिकेशंस को समझेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो इवन एंड ऑड, हम लोग स्टार्ट करते हैं इवन सिग्नल से। ठीक है, इवन सिग्नल की तरफ आते हैं। इवन सिग्नल का मतलब होता क्या है, इवन सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मतलब जो भी इवन सिग्नल होगा इसका फॉर्म एक्चुअली ये होता है, आप देख लो इसको एक बार, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। मतलब इवन सिग्नल क्या होता है, सिंपली टाइम रिवर्सल। क्या होता है, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल बताया था ना मैंने, क्या करते हैं टी पे हम लोग क्या करते हैं, टी अगर पहले क्या था पॉजिटिव तो बाद में क्या हो गया नेगेटिव। तो इवन सिग्नल मीन्स टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल मीन्स क्या, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मीन्स y एक्सिस जो होगा एज अ मिरर काम करेगा गिवन वेव फॉर्म के लिए, तो उसको हम लोग इवन सिग्नल कहते हैं। इवन सिग्नल मीन्स x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस ऑफ t, सिंपली इट इज अ टाइम रिवर्सल, मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इट मीन्स y एक्ट एज अ मिरर फॉर अ गिवन वेव फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, ये एग्जाम्पल दे रखा है x ऑफ t और t का एक वेव फॉर्म है जो 2 से इनिशिएट हो रहा है, माइनस 2 पे टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये 2 पे इनिशिएट हो रहा है, माइनस 2 पे टर्मिनेट हो रहा है, मींस ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे के सिमेट्रिक है, दोनों वेवफॉर्म भी आपस में आइडेंटिकल है, मींस ये सिग्नल क्या हुआ, ये वेवफॉर्म क्या हुआ, इवन हुआ, मींस ये सिग्नल जो एक्स ऑफ टी है ये क्या हो गया, इवन सिग्नल हो गया। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे कि आप मान लो ये एक्स ऑफ टी एक फंक्शन दे रखा है टी स्क्वायर कॉस टी, अब ये कह रहा है कि ये इवन सिग्नल है या नहीं है, मैं कहता हूं ये इवन सिग्नल है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, x of t is equals to x minus of t, means जो वैल्यू x of t की है वही वैल्यू किसकी होगी, x of minus t की वैल्यू होगी। तो हम लोग x of minus t फाइंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि x of t और x of minus t दोनों इक्वल है या नहीं है। तो देखो x of minus t करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको t को माइनस ऑफ t से रिप्लेस करना पड़ेगा, कर देते हैं ना, फिर क्या दिक्कत है, माइनस t का होल स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस ऑफ t। ठीक है, तो कितना हुआ, t स्क्वायर cos ऑफ माइनस t इज इक्वल्स टू cos ऑफ t, यानी कि आप देखो x ऑफ माइनस ऑफ t जो आ रहा है वो वही है जो x ऑफ t था, इट मींस दैट दिस वेव फॉर्म या दिस सिग्नल x ऑफ t इज अ इवन सिग्नल। हमने कुछ नहीं किया यहां पे, मैंने t को सिर्फ माइनस t से रिप्लेस किया, तो x ऑफ माइनस t इज इक्वल्स टू t स्क्वायर cos ऑफ t आया, मींस ये t स्क्वायर cos ऑफ t सेम एज अ x ऑफ t, इट मीन्स दैट x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस t, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिग्नल इवन हो गया। ठीक है, इवन सिग्नल में कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं, इतना ही बात है जो समझ में आनी चाहिए। एक बार पहली बात क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि टाइम रिवर्सल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि वो मिरर एक्सिस, यानी कि एक वाई एक्सिस जो होता है वो मिरर की तरह काम करता है, यानी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। और अगर आपको कोई भी फंक्शन या वेवफॉर्म इस तरह का दिया हुआ x of t is equals to something, आप उसको x of minus t करके देख लो, अगर दोनों इक्वल हो जाता है इट मींस दैट द गिवन सिग्नल था वो इवन होगा। और वेवफॉर्म अगर दे रखा है तो आपको कैसे पहचानना है कि जो y एक्सिस है वो मिरर इमेज की तरह काम कर रहा है कि नहीं, मतलब ये जो एक वेवफॉर्म है ये दूसरा वेवफॉर्म दोनों आइडेंटिकल है, यानी आइडेंटिकल होगा तो इवन सिग्नल होगा, अगर नहीं होगा तो इवन सिग्नल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑड सिग्नल के ऊपर, ऑड सिग्नल क्या होता है, ऑड सिग्नल के बारे में देखते हैं, कुछ नहीं होता है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ऑपरेशंस उसी है, कुछ सब्स्टिट्यूट है, देख लो आप क्या, ऑड सिग्नल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x of t is equals to minus of x of minus t। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे दो चीज है, पहला क्या है टाइम रिवर्सल और दूसरा क्या है एम्पलीट्यूड रिवर्सल, मीन्स ऑड सिग्नल में दो ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, पहला टाइम रिवर्सल, दूसरा क्या एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ऑड सिग्नल का। ऑड सिग्नल का डेफिनेशन क्या होता है, बोथ आर एंटी सिमेट्रिक टू ईच अदर, बोथ मींस क्या, बोथ मींस जो लेफ्ट हैंड साइड में है किसी, अगर मान लो ये किसके लिए है,
अब ये है आपको वेब फॉर्म के लिए, वेब फॉर्म को देखना है और आपको वेब फॉर्म दिया जाता है और बोला जाता है कि बताओ वो इवन है या ऑड है। तो कैसे देखेंगे हम लोग, वेब फॉर्म को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो दोनों वेब फॉर्म है, दो वेब फॉर्म दे रखा है, मतलब एक एक वेब फॉर्म में दो पार्ट होगा, दोनों पार्ट अगर आपस में एंटी सिमेट्रिक है, मीन्स उसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर आपस में एंटी सिमेट्रिक मतलब डायगोनल इक्वल होना चाहिए, अगर वैसा है तो गिवन सिग्नल क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको देख सकते हो, यहाँ पे एक वेव फॉर्म दे रखा है x(t) और यहाँ पे एक ये इसका पार्ट वन और ये पार्ट टू, बोथ आर नॉट सिमेट्रिकल टू इच अदर। सिमेट्रिकल होता तो क्या होता, ये जो एक्सिस है मिरर की तरह काम करता और इसका 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 जो सेकेंड पार्ट होता है वो यहाँ पे होता, बट एक्चुअली है कहाँ, यहाँ पे। इसमें इट इज अ एंटी सिमेट्रिक टू इच अदर, इट मीन्स इट इज अ ऑड सिग्नल। ओके, अब मैं आपको बात करता हूँ दूसरे सिग्नल की, बात कर लो। यहाँ भी देखो, ये एक सिग्नल दे रखा है, ये एक पूरा वेवफॉर्म दे रखा है, इसमें जो पार्ट वन है और ये पार्ट टू दोनों क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होता तो क्या होता, ये पार्ट कहाँ पे होता, इस तरफ होता, बट ये है कहाँ, डायगोनल में। इट मीन्स दैट दिस इज अ ऑड सिग्नल। मीन्स अगर दोनों, अगर कोई भी वेवफॉर्म दिया हुआ है उसके दो पार्ट्स और दोनों पार्ट्स अगर डायगोनली इक्वल है, डायगोनली सेम दिख रहा है, आइडेंटिकल दिख रहा है, तो आपको क्या समझना है, वो ऑड सिग्नल है। अगर और अगर मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ x(t) = t² sin t, अगर ये दे रखा है तो कैसे कहेंगे, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या है, x(t) = -x - t, मीन्स आपको क्या करना है, आपको पहले x(t) का -x - t आपको बना लेना है। अगर ये इसका जो वैल्यू आएगा वो x(t) के बराबर अगर हुआ, इसका मतलब ये जो गिवन वेवफॉर्म, ये गिवन जो फंक्शन है, ये क्या होगा, ऑड होगा। देख लो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल, पहले क्या करेंगे, t को -t कर देते हैं, कर देंगे -t का होल स्क्वायर साइन ऑफ -t, t स्क्वायर साइन ऑफ -t का मतलब क्या, -t स्क्वायर साइन t। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, आपने t का काम कर लिया, आपको क्या करना है, x का काम करना, मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना है, मींस आपको इसके एक और माइनस लगा देना है, तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस t स्क्वायर साइन ऑफ t, ठीक है, t स्क्वायर साइन ऑफ t हो जाएगा। मींस ये जो t स्क्वायर साइन ऑफ t है वही तो x(t) था, इसका मतलब x(t) और -x - t दोनों बराबर हुआ, इट मीन्स दैट ये जो गिवन चीज है x(t) = t² sin t, ये दोनों की क्या है, ऑड सिग्नल है। तो ऑड सिग्नल का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद वो एंटी सिमेट्रिक टू ईच अदर होता है, बोथ कहने का मतलब दो पार्ट होगा वेव फॉर्म वेव का, जिसका दोनों पार्ट आपस में डायगोनल इक्वल होगा, यानी एंटी सिमेट्रिक होगा, तो क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। अब थोड़ा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, जहां पे आप मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर मान लो आपको कोई दो इवन सिग्नल दे रखा है, या फिर दो ऑड दे रखा है, या फिर एक इवन और एक ऑड दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक रिजल्ट है, आपको इसको याद रखना है, आपको इसको याद रखना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, देखने के बाद आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं लगाना है, बट इट इज वेरी सिंपल फॉर योर कन्वीनियंस। तो आप याद, आप देखो क्या होता है कि अगर कोई एक सिग्नल इवन है और दूसरा इवन है, दोनों सिग्नल इवन है, और उसमें अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है, तो रिजल्टेंट सिग्नल भी इवन होगा। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, बताया इसलिए जा रहा है, कहीं कहीं आपको दो इवन सिग्नल दे देगा, बोलेगा रिजल्टेंट जो सिग्नल आएगा उसका नेचर क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा, आपको अगर ये रिजल्ट पता है तो आप बोल दोगे इवन होता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई दो सिग्नल ऑड है, तो ऑड है, उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा है, तो आपसे बोलेगा कि रिजल्टेंट सिग्नल का नेचर क्या होगा, तो आपने बोलना है इवन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने याद किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल, और एक सिग्नल इवन है और एक ऑड है, उस दोनों के बीच में भी अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो रहा तो रिजल्टेंट सिग्नल का नेचर क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज अपने याद रख लेना है, अगर इवन इवन हुआ तो इवन होगा, ऑड ऑड हुआ तो भी इवन होगा, और इवन ऑड हुआ तो ऑड होगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई दो सिग्नल है इवन है, ठीक है, उसके बीच में अगर प्लस माइनस हो रहा, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा, तो रिजल्टेंट सिग्नल का जो नेचर होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। और ऑड है, दोनों के बीच में अगर प्लस माइनस का ऑपरेशन हो रहा, तो उसका जो रिजल्टेंट सिग्नल का नेचर होगा वो क्या होगा, वो भी ऑड होगा। यहाँ पे जो पांच पॉइंट है, 1, 2 और ये 3 और ये 4
और ये 5, ये पांचों आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा और आपको ये चीज अगर नहीं आता है तो आप वहां पे आप सोचोगे कि ये चीज हुआ कैसे, जादू तो होता नहीं है, होगा कैसे, आपने इस चीज को याद रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल द पॉइंट्स अबाउट इवेंट सिग्नल, ऑड सिग्नल और इवेंट सिग्नल, ऑड सिग्नल के इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। आपको वेवफॉर्म देख के बता देना है, और आपको अगर कोई फंक्शन दिया है तो वहां से भी आप वहां से परफॉर्म कर सकते हैं, तो और ऑड सिग्नल के बारे में हो तो भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एंड कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक के बारे में। तो ठीक है, तो हम लोग अभी तक डिस्कस किए इवेंट सिग्नल एंड ऑड सिग्नल, ठीक है। तो इवेंट सिग्नल में और ऑड सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर दिया इवेंट ऑड सिग्नल का। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एंड कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, एंड फर्दर हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।